DIOS कार्यालय पर शिक्षक विधायक संजय मिश्रा ने किया धारा 144 का उल्लंघन, पुलिस ने खदेड़ा। अमरोहा माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले शिक्षक विधायक संजय मिश्रा ने अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए धरना प्रदर्शन किया और अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बात की जानकारी अमरोहा पुलिस को हुई तो अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने जाकर संजय मिश्रा को धरना स्थल से खदेड़ा। इस बीच उसकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते संजय मिश्रा को वापस लौटना पड़ा। बता दें कि संजय मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी शिक्षक विधायक चुनाव के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं और उन्होंने खुलेआम जिस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन किया है, अब देखना यह होगा कि इनके खिलाफ अमरोहा प्रशासन क्या करता है। उत्तर प्रदेश के 27,000 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं, जिनमें 4,438 अनुदानित विद्यालय, 2,472 राजकीय विद्यालय और 21,000 माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय हैं। राजकीय विद्यालयों में मात्र 6,000 अध्यापक काम कर रहे हैं। अनुदानित विद्यालयों में 1,04,000 पदों के सापेक्ष 39,000 अध्यापक काम कर रहे हैं। वित्त विहीन विद्यालय जो यूपी बोर्ड के 1 to 50 50 टॉपर वित्त विहीन विद्यालय देते हैं, इनमें 3.5 लाख अध्यापक, 60,000 लिपिक, 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जब से कोरोना महामारी बोर्ड परीक्षा के बाद चालू हुई है तब से शुल्क न आने के कारण, फीस न जमा होने के कारण इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को एक भी रुपया मानदेय या वेतन के रूप में नहीं मिला। ये जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना रोजगार चला लेते थे, अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेते थे, वो ट्यूशन का काम भी इनका बंद हो गया। शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो विषय मौलिक अधिकार में आता है उस पर होने वाले सकल व्यय की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार को इन्हें 15 इन्होंने वह भी बंद कर दिया। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनवाओ, हम 20,000 देंगे। 20,000 देने की तो बात छोड़ दो, जो 1,000 रुपया मिल रहा था इन्होंने वो भी बंद कर दिया। आज हमारा कई अध्यापक आत्महत्या कर लिया है, कई अध्यापक ठेलिया लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कई अध्यापक मानसिक रूप से अवसाद ग्रस्त हो गए हैं। हमारी मांग है आपने सबको, किसी को 5 किलो गल्ला, किसी को 500 रुपया, किसी को 2,000 रुपया, ये देने का काम किया है, लेकिन हमारा शिक्षक शिक्षक दर्ज होने के कारण इसको राशन की दुकान से राशन भी नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत स्थिति खराब है। इन अध्यापकों को विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना पैकेज रुपया 25,000 तत्काल प्रभाव से सरकार दे चुकी है, सरकार का काम है। ये हमारी मांग है, इसको लेकर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। हमारे बरेली मुरादाबाद का आज ये नवा जिला है, हमने सभी जगह अपने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कि शीघ्र ही इन अध्यापकों को कोरोना पैकेज उपलब्ध।